हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 16 करेंगे। इस वर्कशीट में घास के मैदान पार्ट 7 के प्रश्न हमें दिए गए हैं। बच्चों, घास के मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत अंतर होता है। ये घास के मैदान विश्व के लगभग हर भाग में पाए जाते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, घास के मैदानों में शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों से कैसे बचते हैं? उत्तर है, घास के मैदानों में शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवर से बचने के लिए झुंड में चलते हैं। झुंड में रहेंगे तो मांसाहारी जानवर उनसे दूर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिराफ वृक्षों की ऊंची शाखाओं को ही क्यों खाते हैं? आप सबको पता है, जिराफ की लंबी गर्दन होती है जिसकी वजह से वह वृक्षों की ऊंची शाखाओं को ही खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करो और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, घास के मैदानों में पाए जाने वाले शाकाहारी जानवर कौन से हैं? जो घास के मैदानों में मिलते हैं वो जानवर है जिराफ, हिरन, जेब्रा, चिंकारा। चिंकारा एक तरीके का हिरन होता है। ये सभी शाकाहारी जानवर होते हैं। नेक्स्ट है, घास के मैदानों में पाए जाने वाले मांसाहारी जानवर कौन से हैं? तो घास के मैदानों में जो मांसाहारी जानवर मिलते हैं वो है भालू, शेर, सियार, बाघ, चीता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास से विकसित हुई चार फसलों के नाम लिखो। उत्तर है, गेहूं, चावल, मक्का, जौ। ये घास से ही विकसित हुई चार फसलों के नाम हैं। नेक्स्ट है, क्या गन्ना भी एक प्रकार की घास है? उत्तर है, हाँ, गन्ना भी एक प्रकार की घास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करो। हमें एक साइड घास भूमि के क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी साइड घास के मैदानों के नाम दे रखे हैं। हमें जिस क्षेत्र में जो उनसे मैदान है उन्हें उनसे मिलाना है। जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। मैंने प्रेरी के आगे एक नंबर लिखा हुआ है। आप चाहो तो उत्तरी अमेरिका को प्रेरी से मिला दो। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में जो घास का मैदान होता है उसका नाम है पंपास। तो दक्षिणी अमेरिका को पंपास से मिला दो। नेक्स्ट है, मध्य एशिया। मध्य एशिया में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। मैंने स्टेपीज के आगे तीन नंबर लिखा हुआ है। आप चाहो तो मध्य एशिया को स्टेपीज से मिला दो। नेक्स्ट है, पश्चिमी अफ्रीका। पश्चिमी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वेल्ड्स। दक्षिणी अफ्रीका को वेल्ड्स से मिला दो। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से डाउन्स को मिला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का अन्नभंडार किसे कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया का अन्नभंडार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन हार्वेस्ट मशीनों से क्या क्या काम किया जाता है? कंबाइन हार्वेस्ट मशीनों से जुताई, बुआई, कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंच किसे कहते हैं? किसान खुली घास भूमि में मवेशी पालते हैं, उसे रेंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है, मंगोलिया का स्टेपीज दुनिया का सबसे विशाल घास का मैदान है। बच्चों, घास के मैदान ज़्यादातर शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक विश्व का मानचित्र दे रखा है और उसमें हमें घास के मैदानों को अंकित करना है। मैंने मानचित्र में विभिन्न घास के मैदानों को दर्शा रखा है और जो हरे रंग से और लाल रंग से करा हुआ है वो है कि जो हरा रंग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को दर्शा रहा है और जो लाल रंग है वो उष्ण कटिबंधीय घास भूमि को दर्शा रहा है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि होती है जहाँ पर गर्मी होती है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि उस क्षेत्र में होती है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड होती है।
आपके लिए और इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को लिखा हुआ है अलग अलग, और साथ में वो जहाँ पाए जाते हैं वो भी लिखा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आप ये याद कर लीजिए। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट 16 क्लास 5th की सामाजिक अध्ययन की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।